हेलो एवरीवन, तो आज 13 अगस्त और 13 अगस्त का एक्स एम्पायर पर डेली फंड इन्वेस्टमेंट आ चुका है। तो बिना टाइम वेस्ट कर बताऊंगा आपको कि आज आपको कौन कौन से कार्ड में पैसा इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहले आपको सिटी में आ जाना है। सिटी में आने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट्स में आ जाना है। इन्वेस्टमेंट्स में आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर तीनों बॉक्स खाली है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो बताता हूँ मैं आपको क्या आपको कौन कौन से कार्ड में पैसा इन्वेस्ट करना है। लेकिन पैसा इन्वेस्ट करने से पहले एक बार आप डेट और टाइम देख लो ताकि आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले आप डेट और टाइम देख लो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आज है 13 अगस्त, और एक बार आप टाइम भी देख लो। इस टाइम टाइम हो रहा है 3:56। ऐसे देर में आया था लेकिन आज ये पहले आ चुका है। तभी जब आया तभी मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं बताता हूँ आपको किस किस कार्ड में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहले आपको हल्का सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। हल्का सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आने के बाद यहाँ पास से सबसे पहले आपको ये वाले कार्ड में पैसा इन्वेस्ट कर देना है, गोल्डन माइंड टूल्स। ये मीडियम रिस्क में है आपका गोल्डन माइंड टूल, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पास से अपने अमाउंट को फुल कर देना है। अमाउंट को फुल करने के बाद आपको बी लकी पर क्लिक करना है। बी लकी पर क्लिक करने के बाद आपको आई एम कूल इन्वेस्टर पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका एक कार्ड लग चुका है। दूसरा कार्ड लगाने के लिए आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पास से भी अपने अमाउंट को फुल कर देना है। अमाउंट को फुल करने के बाद आपको फिर से बी लकी पर क्लिक करना है। बी लकी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पास से आपको इसमें भी आई एम कूल इन्वेस्टर पर क्लिक कर देना है। इस पर भी क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दो कार्ड लग चुका है। तो लास्ट कार्ड आपको मिलेगा लो रिस्क में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना डायमंड्स, तो आपको इस पर क्लिक करना है डायमंड्स पर। यहाँ पास से आपको पूरा यहाँ पर अमाउंट को फुल कर देना है। अमाउंट को फुल करने के बाद आपको फिर से बी लकी पर क्लिक करना है। फिर से बी लकी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पास से आप देख सकते हैं मेरा तीनों कार्ड लग चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप भी तीनों कार्ड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो।